उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में कुकरेल नदी तट के सौमित्र वन में वृक्षारोपण कर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल, वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना व राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अभियान हर भारतवासी के लिए एक मंत्र बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर परिवार को यह गौरव प्राप्त हो रहा है। एक दिन के अंदर 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचेंगे। इस बार मई और जून का महीना लोगों तक कई वर्षों तक याद रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार 48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। इन सबसे बचाव के लिए ही वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं, और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया, और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 3 पेड़ हर मातृशक्ति के नाम पर आज प्रदेश के अंदर लगने जा रहे हैं। एक ही दिन में लगने जा रहे हैं, जब हम 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके हैं। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम, लेकिन इस पेड़ को लगाना भी है, बचाना भी है, और फिर इसके माध्यम से अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है एक पेड़ मां के नाम। मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्षों में जो पौधे लगाए गए थे उनमें से 75 से 80% पेड़ अभी जीवित हैं। आज वैश्विक संस्थाएं मान्यताएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने और जो पेड़ लगाए गए लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल पाकड़ बरगद, किसी ने नौग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्र साला लगाई होगी,
और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया, लेकिन वैश्विक संस्थाओं से मान्यता दे रही है 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1984 के बाद कुकरेल नदी को भूमाफियाओं ने पाटना शुरू कर दिया और यह नदी नाला बन गई। इस नाले ने गोमती नदी को भी प्रदूषित किया। आज यहां पर 15 एकड़ में सौमित्र वन की स्थापना की गई। कुकरेल के किनारे अतिक्रमण को हटाकर जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई। 2100 लोगों को एलडीए ने आवास उपलब्ध भी कराया। कुकरेल नदी जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ, जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेशवासियों के लिए भी, हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते FIR लॉन्च कराते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य ब्रिजलाल, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, एमएलसी रामचंद्र प्रधान, एमएलसी मुकेश शर्मा, एमएलसी संतोष सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्रीमती प्रभा देवी।